फेरस मटेरियल्स के बारे में क्लासिफिकेशन करते हैं, तो आते हैं इसमें कास्ट आयरन, और कास्ट आयरन में हम लोग सब फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आप देखोगे तो ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन और मेलेबल कास्ट आयरन एंड फर्दर। तो जब आप यहाँ पे देखते हो कि कास्ट आयरन और क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कितना परसेंटेज टेम्परेचर हो, कितना परसेंटेज कार्बन परसेंटेज, और अगर सब्स्टिट्यूट एलिमेंट्स के परसेंटेज की बात करते हैं यहाँ पर, तो कास्ट आयरन आप यहाँ देख सकते हो कि कास्ट आयरन इट इज एन अलॉय ऑफ एन आयरन, कार्बन और सिलिकॉन, एंड इट इज अ हार्ड एंड ब्रिटल। तो कास्ट आयरन हमारे क्या, इट इज एन अलॉय ऑफ आयरन, कार्बन और सिलिकॉन, एंड इट इज अ हार्ड एंड ब्रिटल। कार्बन कंटेंट मे बी विद इन 1.7% टू 3%, एंड कार्बन मे बी प्रेजेंट एज फ्री कार्बन और आयरन कार्बाइड। अब आप देख सकते हो, याद कर सकते हो, कार्बन कंटेंट मे बी विद इन 1.7% टू 3%, एंड कार्बन मे बी प्रेजेंट एज फ्री कार्बन या आयरन कार्बाइड, दैट इज Fe3C। तो फिर इस मटेरियल्स में हमारा पहला आता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में हम लोग परसेंटेज याद करेंगे कि जो कार्बन का परसेंटेज है वो इसमें रहेगा 1.7% से 3%, और कार्बन में भी प्रेजेंट, कार्बन प्रेजेंट एज अ फ्री कार्बन या आयरन कार्बाइड के फॉर्म में मिलेगा। तो जनरली जो क्लासिफिकेशन है हमारा, पहला सबसे पहले आता है ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, स्पिरिटल या नॉर्मल कास्ट आयरन, ऑस्टेनेटिक कास्ट आयरन एंड एब्रेशन रेजिस्टेंट कास्ट आयरन। दीज आर द सिक्स टाइप्स क्लासिफिकेशन। तो कास्ट आयरन हमारे क्या होगा, कास्ट आयरन हमारे एक अलॉय है ऑफ आयरन का, जिसमें कि कार्बन और सिलिकॉन और ये काफी हार्ड और ब्रिटल है नेचर। कार्बन कंटेंट में भी विद इन 1.7% टू 3%, एंड कार्बन में भी प्रेजेंट एज फ्री कार्बन या आयरन कार्बाइड फॉर्म के फॉर्म में। इन जनरल मेनी टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन, दैट इज ग्रे कास्ट आयरन। जब ग्रे कास्ट आयरन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो आप यहाँ देख रहे हो ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन में आप देखोगे कि जो कार्बन हेयर इज मेनली इन फ्री फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। तो यहाँ पे जो हमें कार्बन मिल रहा है वो दैट इज वो फ्री फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट मिल रहा है, फ्री फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट मिल रहा है। कार्बन हेयर इज द मेनली इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, और दिस टाइप ऑफ कास्ट आयरन इज इनएक्सपेंसिव एंड हैज हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हमें याद करना है कि ग्रे कास्ट आयरन जो में कार्बन जो होता है वो मेनली इन फॉर्म ऑफ कार्बन इज हेयर इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट में मिलेगा, और इस टाइप ऑफ कास्ट आयरन इनएक्सपेंसिव होंगे और साथ ही साथ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनमें होगी। ग्रेफाइट की बात कर ले तो ग्रेफाइट इज एन एक्सीलेंट सॉलिड ब्लूप्रिंट एंड टेक मेक एंड दिस मेक्स इट इजली मशीनेबल बट ब्रिटल। सम एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कास्ट आयरन आर Fg20, Fg35 और Fg35Si50। तो हमें याद करना है कि जो सम टाइप सम एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कास्ट आयरन थे कौन कौन से, Fg20, Fg35 और Fg35Si50। द नंबर ऑफ इंडिकेट्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन मेगा पास्कल एमपीए, एंड 15 इंडिकेट 0.15% सिलिकॉन। ये हमको परसेंटेज भी आपको याद करना होगा क्या क्या परसेंटेज है इस तरह से। फिर नेक्स्ट आता है व्हाइट कास्ट आयरन। जब व्हाइट कास्ट आयरन की बात करते हैं तो इन दिस कास्ट आयरन कार्बन प्रेजेंट इज इन द फॉर्म ऑफ आयरन कार्बाइड। जब हम लोग ग्रे कास्ट आयरन की बात कर रहे थे तो ग्रे कास्ट आयरन में आपने देखा कि ग्रे कास्ट आयरन के केस में जो आयरन कार्बन प्रेजेंट था वो ग्रेफाइट फॉर्म में था, लेकिन जब हम लोग बात कर रहे थे व्हाइट कास्ट आयरन के की, तो इसमें जो कास्ट आयरन है वो आयरन कार्बन इज प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ आयरन कार्बाइड के फॉर्म में, Fe3C के फॉर्म में, जो कि क्या है, विच इज हार्ड एंड ब्रिटिल है, जो कि हार्ड एंड ब्रिटिल नेचर है। और द प्रेजेंस ऑफ आयरन कार्बाइड इंक्रीज हार्डनेस एंड मेक इट्स डिफिकल्ट टू मशीन, कंसिक्वेंटली दीज कास्ट आयरन आर एब्रेसन रेजिस्टेंस। तो हम इस तरह से याद कर रहे हैं, ग्रे कास्ट आयरन की बात करेंगे तो ग्रेफाइट के फॉर्म में मिल रहा है, और दिस टाइप ऑफ कास्ट आयरन इज इनएक्सपेंसिव एंड हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ है। और जो व्हाइट कास्ट आयरन जो होता है वो हमारा आयरन कार्बाइड के फॉर्म में मिल रहा है, कार्बन प्रेजेंट कास्ट आयरन कार्बन प्रेजेंट है इसमें आयरन कार्बाइड के फॉर्म में, जो कि हार्ड और ब्रिटल इन नेचर है।